हेलो फ्रेंड्स डीप सिक्योरिटी पार्ट सेवन में आपका स्वागत है ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं बताता हूं कैसे डीप सिक्योरिटी डीएसएम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अब डीप सिक्योरिटी में वर्चुअल पैचिंग कैसे करते हैं रिकमेंडेशन स्कैन कैसे करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है देर आर फ्यू स्टेप्स जो आप परफॉर्म करेंगे वर्चुअल पैचिंग में और वर्चुअल पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी बट वर्चुअल पैचिंग के मायने क्या होते हैं एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वर्चुअल पैचिंग तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं सो so, दोस्तों मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट्स करिए टू इंप्रूव फर्दर ऑलराइट So, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीप सिक्योरिटी में सबसे पहले हम कवर करेंगे यहां पर हम बात करेंगे कि व्हाट वर्चुअल वर्चुअल पैचिंग। वर्चुल पैचिंग क्या होती है? उसके बाद हमको वर्चुअल पैचिंग की जरूरत क्यों है फिर हम देखेंगे कि वर्चुअल पैचिंग क्या चैलेंजेस रहते हैं एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके बाद अगर

की अगर हम बात करते हैं ये क्या करता है कि एक ऐसा you know, है जो जो भी एक्सप्लोइ हो चाहे वो नोन हो या का, उसके अगेंस्ट में इट विल गिव यू कंप्लीट सिक्योरिटी सो इट एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट थ्रेट्स दैट एक्सप्लॉय एंड अनोन वलनबिलिटीज वर्चुअल पैचिंग एक्चुअली

राइट right? मतलब एजेंट इंस्टॉल्ड है आपने रिकमेंडेशन स्कैन चलाया है तो वर्चुअल पैचिंग जब वो यू नो इट विल फाइंड रूल्स को क्रिएट करेगा. करेगा. करेगा कि ये पर्टिकुलर आईपीएस रूल इसके लिए सुटेबल है इट हैजू बी क्रिएटेड और उस रूल को वो डीप सिक्योरिटी डीएसएम में अवेल करवा के देगा एंड देन रिकमेंडेशन स्कैन चलेगा रिकमेंडेशन स्कैन के बाद वो रूल्स जो रहेगा आपका अप्लाई हो जाएगा पर्टिकुलर सिस्टम में जहां पर आपका डीएससी इंस्टॉल्ड है ऑलराइट right? अभी हम बात करते हैं कि व्हाई नीड वर्चुअल पैचिंग क्यों जरूरत है भाई वर्चुअल पैचिंग की तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के समय में इट इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूसली you डिसेंट्रलाइजेशन know, हो रहा है टू एडोप्टिंग क्लाउड आ रहा है मोबाइल आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो पैच मैनेजमेंट हैज बिकम एन इवन मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड रिड्यूस इन इंटेंसिव टास्क कितना टाइम लगता है पैच मैनेजमेंट यू हैव टू फिगर इट आउट के यू कौन सा पैच अप्लाई करना है टू यू नो अगेंस्ट दैट विलिटीज सो बहुत सारी चीजें रहती हैं दैट

डॉलर्स इन फाइनेंस लॉसेस, राइट पैचिंग आप करते हो और वर्चुअल कोशिश कर रहे हैं बिसाइड ऑफ डेटा ब्रिचेस देर इज ऑल्सो लूमिंग थ्रेड ऑफ रैनसम एंड टारगेट कंपे अब्यूसिंग अनपैच वर्बिलिटीज राइट सो आप यहां पर आप देख सकते हो कि

तो हम बिजनेस कंटिन्यूटी को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ऑल सो बिजनेस कंटिन्यूटी में ऐसा समझते हैं कि वाइल रेगुलरली यू नो इंस्टॉलिंग अपडेट इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस मैनी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दी पैचिंग प्रोसेस वेरी वेरी स्लो डिस्टर्बिंग एंड कॉस्टली दैट सम ऑप्स टू पोस्टपोन तो बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या होता है आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है बिकॉज

if you upgrade their infrastructures as they have to patch an increasing number of vulnerabilities matlab, you, you have to continuously um, patch the machines, patch the servers and uh, uske accordingly the amount of vulnerabilities hai, you have uh, 500 vulnerabilities or let's say 20 to 500 vulnerabilities you have to close all the vulnerabilities right so amount of vulnerabilities you have to patch it so how time consuming it is उसके बाद लिमिटेड विजिबिलिटी डू यू हैव एनी विजिबिलिटीज मतलब लार्जर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स अपडेट प्रोसेस दिस कुड बी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय अ फ्रेगमेंटेड आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आप अगर यू नो योर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इज फ्रेगमेंटेड तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके सेगमेंट्स हैं और अलग अलग सेगमेंट्स में कितने सर्वर्स हैं किस सर्वस पे किस लेवल की अवेलेबिलिटीज है एंड कौन सा लूपहोल्स है यू नीड टू फिगर इट आउट एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू गेट रेडी फॉर पैच दोवस सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट फॉर द लिमिटेड विजिबिलिटी उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पैच साइकिल तो क्या होता है इसमें दिस दिस कैन बेसिकली मेक पैचिंग डिफिकल्ट टू मैनेज एफिशिएंटली स्पेशली व्हेन यू नो इट्स हार्ड टू डिटरमाइन विच िटीज आर मोस्ट रेलिवेंट और क्रिटिकल समझ रहे फ्रिक्वेंसी क्या होगी पैच साइकिल क्या होगी आपको कैसे पता चलेगा कौन सीबिलिटी कौन सी अवेलेबिलिटीज लेस क्रिटिकल है सो यू नीड टू डेटर माइन दैट So that comes against frequency of patch cycle. Next आता है legacy and unpatched system. क्या करेंगे आप अगर आपके servers जो है end of support हो गए end of life हो गए हैं उसको कैसे आप अनपैच करोगे बिकॉज यू नो ऑन दी अदर हैंड सपोज विंडोज का सर्वर है 2003 है 2008 है Microsoft is not supporting, आप कैसे कैसे उसको करोगे? वो होगा? ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है रीजन वट मेक्स पैचिंग चैलेंज फॉर एन एंटरप्राइज ऑल अभी हम बात करते हैं वॉट हैपन्स टू अनपैच आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है तो सबसे पहले आप देखोगे कि वंस अ वनबिलिटीज इज डिस्कलोज और रिपोर्टेड और डिस्कवर इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर एंटरप्राइज के यू नो दीज आर दलनेबिलिटीज आ गई है सपोज लॉक फोर जी आ गया आपका या रैनसम वेयर लॉकी वेयर के न्यू वेरियंट आ गए एंड एवरी वन इज रनिंग आफ्टर टू क्लोज दैट वलनेबिलिटीज क्या करोगे एट द सेम टाइम फॉर साइबर क्रिमिनल्स क्लीय रहेगा और जो थ्रेट वैक्टर्स रहेंगे इट्स एन अपॉर्चुनिटी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू फिक्स दैट क्विकली पॉसिबल सो एन एवरेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टेंट यू नो रेपिडली टेक्स अराउंड सिक्सटी नाइन डेज टू पैच क्रिटिकलिटीज इन इन इट्स एप्लीकेशन बिजनेस इन यूके की अगर बात करें इट टुक एन एवरेज सिक्सटी डेज टू डिटरमाइंड है

against the Windows servers and the product name is there, Ransomware group name is there. And then here you can see, uh, Air 2020 product name, Ransomware group, all details is given here, all the CVs name here. So you can understand that, you know, against unpatched system to install Ransomware, putting network of over 80,000 companies at risk because of unpatched system. के नाउ हाउड वर्चुअल पैचिंग हेल्प की कैसे हेल्प करती है सो हेयर हाउ वर्चुअल पैचिंग ऑर्गूमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मैं बताता हूं आपको टेक्नोलॉजी वाइज एज विलिटीज एंड पैच मैनेजमेंट पॉलिसीज सबसे पहले बायस एडिशनल टाइम राइट वर्चुअल पैचिंग जब करते हो तो इट गिव सिक्योरिटी टीम द टाइम नीडेड टू एसेस दलनेबिलिटीज

एट द सेम टाइम उसबिलिटीज के अगेंस्ट यू कैन एक्ट ऑन इट यू नो इट विव यू सफिशियंट टाइम फॉर योर डेवलपर्स टू फाइंड आउट दिक्कस आपके सर्वर में चल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट योर सर्वर इज कॉम्प्रोमाइज योर एप्लीकेशन इज कॉम्प्रोमाइज एज वेल एज योर सर्वर इज कॉम्प्रोमाइज सो अगर सर्वर पैज्ड रहेगा सो सर्वर विल यू नो दिस वर्चुअल ऑफ दिस एप्लीकेशन योर

मिटिगेट्स द पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस कॉज बायर सुपर फ्लॉज डिस्टर्बेंस इन बिजनेस ऑपरेशन तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अननेसे डाउन टाइम की जरूरत नहीं रहती है वो पैच कर देगा आपके आपके सर्वर को पैच कर दिया है बॉस मैंने सर्वर आपका पैच कर दिया है एंड योर सर्वर इज नो लॉन्गर बी कॉम्प्रोमाइज नाउ आप उस पर्टिकुलर वेबिलिटीज के अगेंस्ट में वंस यूल गेट दी पर्टिकुलर यू नो फिक्स मिटिगेशन आप

दोज इम्पोज बाय द यू नो ईयू जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो बोलते हैं जीडीपीआर सुना होगा आपने एंड पीसीआई तो ये जीडीपीआर और पीसीआई की जो ऑडिट वगैरह होती है एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टेल दैट योर सर्वर इज सिक्योर बिकॉज यू हैव डीप सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड इन इट एंड इट हैजन दर्चुअल पैचिंग उसके अलावा वर्चुअल पैचिंग में जो हेल्प करती और भी है जैसे प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी

ट्रेन माइक्रो क्लाउड ट्रेन माइक्रो क्लाउड वन जो रहता है ठीक है तो ये स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं माइक्रो के सारे प्रोडक्ट जो रहेंगे ना वेदर क्लाउड बेसिसीटर लेवल एंड पॉइंट लेवल सब जगह आपको वर्चुअल पैचिंग ट्रेन माइक्रो क्लाउड वन की हम जब बात करते हैं तो इट्स अ सिक्योरिटी सर्विस प्लेटफॉर्म ओके इट्स अ सिक्योरिटी सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर क्लाउड बिल्डर्स इक्विपमेंट ट्रेन माइक्रो क्लाउड वन जो रहता है उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेन माइक्रो एपेक्स वन तो ट्रेन माइक्रो एपेक्स वन क्या होता है सिक्योरिटी सोल्यूशन वर्चुअल दैट टाइमलेस िटी प्रोटेक्शन अक्रॉस द वराइट ऑफ एंड पॉइंट इंक्लूडिंग योर पॉइंट ऑफ सेल्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस एंड सिस्टम तो ट्रेन माइक्रो एपेक्स वन पे आप पॉलिसी लगा सकते हो और उसके थ्रू नॉट ओनली एंड पॉइंट्स बट ऑल्सो योर नेटवर्क लेवल योर ई मेल लेवल क्लाउड लेवल एवरी थिंग इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाई अप्लाइंग द वर्चुअल ओके ना इसके आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट uh, आता है हमारा ट्रेन माइक्रो टिपिंग पॉइंट पॉइंट तो टिपिंग आपको मालूम होगा कि ये एनआईपीएस होता है ये नेटवर्क लेवल की डिवाइस होती है सिक्योरिटी की तो ये क्या करता है थ्रेड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअल पैचिंग एंड एक्सटेंसिव जीरो डे प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेटवर्क एक्सप्लॉयटेबल वेबिलिटी कैसे वाया डिजिटल वैक्सीन सो आपको मालूम होगा डिजिटल वैक्सीन के बारे में डिजिटल वैक्सीन क्या होती है आर डाउनलोडेबल सिक्योरिटी पैकेज होता है दैट इंक्लूड्स फिल्टर फॉर प्रोटेक्टिंग योर नेटवर्क सिस्टम ऑलरेडी नाउ ट्रेन माइक्रो डीप डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन ऐसा रहता है इट प्रोवाइड्स डिटेक्शन इन डेप्थ एनालिसिस एंड प्रोटेक्टिंग यू नो रिस्पॉन्स टू अटैकर्स यूजिंग एक्सप्लॉयड एंड अदर सिमिलर थ्रेड थ्रू यू नो स्पेसलाइज एंजन डीप डिस्कवरी के यू you नो know, कुछ डीपीआई इंजन रहते हैं जैसे डीप पैकेज इंस्पेक्शन और कुछ इंजन रहते हैं कस्टमाइज सेंड बॉक्सिंग रहती है एंड सीमलेस को रिलेशन अक्रॉस द एंटायर अटैक लाइफ साइकिल अलाउविंग इट टू डिटेक्ट थ्रेड इवन विदाउट एनी इंजन और पैटर्न अपडेट सोचो डीप डिस्कवरी अगर आप लगाते अपने एनवायरमेंट में विच बेसिकली यू नो इट विल कंटिन्यूटली वर्क ऑन द

Spam, you know, you can see here uh, this is um, your exploitations. Yeah, so exploit your spam email. Some exploitation happen, some malicious site, you know, exploit kit or vulnerabilities. Yes, so this will first hit to your external firewall, all right. Number one, external firewall, and then after it will directly hit to your network. सो नेटवर्क में आपने क्या लगा के रखा है लाइक यू हैव नेटवर्क बेस्ड इंक्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम दैट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर यू नो एक्सप्लोयड बट नॉट द स्पैम ओके देन इट विल अगेन गो टू दी स्विच इस यहाँ स्विच पे जाएगा स्विच के थ्रू ट्राफिक जाएगा एक जाएगा एंड पॉइंट को जाएगा एक जाएगा आपका वेब सर्वर को जाएगा एक आई ओ टी डिवाइस को जाएगा राइट वन विल गो टू योर एंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर अगेन दैट इंडस्ट्री राउटर्स को जाएगा एंड देनर यू कैन सी एट नंबर ई मेल गेट वे ईमेल गेट वे उसको प्रोटेक्ट करेगा फॉर एनी एक्सप्लॉर्टेशन सिग्नेचर वेस्ड नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन पीवेंस ऑलरेडी इन प्लेस राइट एनी अदर एक्सप्लॉर्टेशन मालवेयर

all the security measures in place. security measure in the sense that you have the complete uh, security layers, uh, nips endpoints, and it has, uh, suppose, uh, deep security installed, which basically act as a virtual patching. so endpoint level, pe, server level, pe to aapka deep deep security, or parameter level, pe tipping point to jiga, jumia, and then you have a uh, uh, you have a and uh, one minute here <clears throat> then you have a trained micro cloud one you have a trained micro apex one so you know the, the complete sh shield of the layer you have a trained micro deep discovery so you have a complete shield of the security which will help you to protect against the organization so virtual patching a एक एक यू नो स्मॉल पार्ट है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी वेबिलिटीजेशन राइट एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर्स दैट दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू सिक्योर आर इंफ्रास्ट्रक्चर आर एनवायरमेंट सो वर्चुअल पैचिंग इज वन ऑफ ऑल राइट नाउ इन द वर्चुअल पैचिंग वॉट इज नेक्स्ट सो हम समझने वाले हैं यहां पर इंप्लीमेंटिंग वर्चुअल पैचिंग हम देखेंगे एज फॉलोड

और आगे की वीडियो में बात करेंगे फर्दर अबाउट द वर्चुअल पैचिंग थैंक यू सो मच गाइज एंड यू हैव अ वंडरफुल डे हैव अ ग्रेट डे